यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सचिन, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं क्रिएटिव हूं, लेकिन आज की वाली वीडियो इतनी ज़्यादा खास होने वाली क्योंकि हमारी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का आ चुका है वर्जन 1.17.0 ऐसे करके कुछ आ चुका है, जिसके अंदर आए काफ़ी सारे नए ब्रिक्स, बहुत कुछ भाई लोग अपडेट आ चुका है। तो भाई लोग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड भाई लोग कितनी सारी नई चीज़ें आ चुकी हैं हमारी इस अपडेट में। सबसे बड़ी चीज़ है ये गॉट आ चुकी है हमारी में। देखो भाई लोग एक ये चीज़ है, भाई लोग ये चीज़ मेरी फेवरेट चीज़ है। ये देखो भाई लोग, इससे हम जूम करके देख सकते हैं, जैसे पीसी में होता है उस तरह से हम इसकी मदद से जूम करके देख सकते हैं। ये जो चीज़ है हमें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, इसे हम क्राफ्ट भी कर सकते हैं, इसके लिए चीज़ें भी अच्छी होते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें आई हैं। ये देखो भाई लोग, ये बकेट स्नो, बकेट ऑफ स्नो भी है, ये ग्लोइंग है, और ये कॉपर का इंगट, काफ़ी कुछ है, ये रॉ गोल्ड, बहुत कुछ है भाई लोग। ये सीड भाई लोग लिटरली बता रहा हूँ, सीरियसली ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसके अंदर ये वाली जो फिश है, ये ड्राउन ज़ॉम्बी जो होते हैं उन्हें मारती भी है। और ये देखो कितने सारे क्रिस्टल, ये सब पता नहीं क्या क्या रखा है, ये भी आ गया है खतरनाक। ये फ्लावरिंग पता नहीं क्या क्या है, फ्लावरिंग पता नहीं क्या है। फिर भी गाइस वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपडेट आ चुका है इस पर। और ये ग्लोइंग सिंक, और भाई लोग ये देखो आप सभी ओर का डिज़ाइन बदल चुका है, वो हमारे लिटरली यहाँ पे एक अलग नया डायमंड का ओर भी आया। देखो ध्यान देखो भाई लोग, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो ये सबसे पहले हम ये वाली फिश को टेस्ट करते हैं। फिश काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है दिखने में। और ये हमारा ग्लोइंग फ्रेम, इसको तो मैं ज़रूर क्राफ्ट करूँगा और इसमें लगाऊंगा अपने नेदरराइट का आर्मर अपने सर्वाइवल वाली सीरीज में। वो खतरनाक लेवल का है ये भी हमें मिला है। पता नहीं ये फ्लोरिंग खतरनाक है, इसके ऊपर हम दोबारा नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं चलिए। और अभी जो हमारे पास आई थिंक ग्रास भी है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे देखो लोग कितनी। और गाइस इस वाले अपडेट में स्नो से हम मर भी सकते हैं, इसलिए भी देखो भाई लोग मेरी स्क्रीन जो यहाँ पे थोड़ी बहुत वैसी होने लग गई थी, आपको दिखाई दे रहा होगा। स्नो से हम मर सकते हैं यहाँ पर, जी हाँ गाइस स्नो हमें मार सकती है। क्योंकि इतना खतरनाक लेवल का अपडेट आया है, एक स्वॉर्ड निकाल लेता हूँ। अब मैं सर्वाइवल में चल के पहले इस फिश को टेस्ट करता हूँ, ये मारती है या फिर नहीं मारती। तो भाई को अभी जो है मैं सर्वाइवल में आएगा, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस भाई लोग, इतना बढ़िया अपडेट आया। तो भाई लोग ये है वो फिश, ये अभी मैं जो आपको स्नो का भी टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको मार कर देखता हूँ कि इससे मारने से हमें मिलता क्या, ये हमें मारता है या फिर नहीं मारती, कोई बात नहीं। हमें भाई ये तो एक हिट में चली गई, खतरनाक लेवल वाली है। पर इसमें इसके अंदर से कोई पार्टिकल निकल रहा है, इतनी जिंदा है। तो ये देखो ये है हमारी स्नो, और अभी मैं स्नो को रख के बस इसके पास जाऊंगा। देखो ये लोग धीरे धीरे मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, अभी डैमेज मिलेगा बिल्कुल स्नो से, ध्यान से देखना गाइस खतरनाक लेवल वाला। अरे भाई इसका कलर चेंज देखो ये लोग, हमें स्नो से डैमेज मिल रहा है, यानी कि अब हम स्नो से भी मर सकते हैं इस गेम के अंदर। भाई लोग क्या ही अपडेट ला दिए इस बार, मतलब चलो 1.17 इतना खाते तो 1.18 वाला आएगा तो वो कैसा होगा भाई लोग, लिटरली बता रहा हूँ सीरियसली। सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ मुझे तो ये लगी भाई लोग, इस अपडेट में इतना बढ़िया जूम करने को मिलता है, दूर से ज़ॉम्बी को एक हाथ में स्कोप लगा के वो AWM का हेडशॉट मारेंगे। तो चलिए अभी जब मैं फिर से क्रिएटिव में आ जाता हूँ, मुझे आपको गॉट भी दिखानी है। गॉट मतलब कि भाई गॉट वैसे होती क्या है, मुझे कमेंट करके बताना, मैं भूल चुका हूँ गॉट होती क्या है। तो चलिए अभी जो है आई थिंक भीड़ पता नहीं क्या होती है। और ये यहाँ पे जो एक नया ग्लास भी आ चुका है हमारा, ये थोड़ा टाइटेंड ग्लास है, पता नहीं क्या नाम है अजीब सा, पर लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भाई, खास तरह का है। मैं पहले सबसे पहले डे कर लेता हूँ, टाइम सेट सनराइज पे क्लिक कर दे, चलो कोई वैसे नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक आ रही है इससे। अभी जो हम और भी चीज़ें देखने वाले, कई सारे ब्लॉक्स में हैं, एक नए प्रकार का कॉपल स्टोन भी आया, मायने बदल चुकी है भाई लोग, हर एक चीज़ बदल चुकी है इस अपडेट में हमारा। ज़्यादा कुछ तो नहीं बदला, फिर भी माइन में थोड़ा बहुत बदलाव आ चुका है। अब माइन में जो है कहीं कहीं जगह पर लाइटिंग रहेगी, मतलब कि ये देखो भाई लोग ये है नए ज़माने का कॉबल स्टोन। मुझे मैं सोच रहा हूँ कि अब ये जो चीज़ मिली है मुझे, ये बीटा वर्जन है फिर भी भाई लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो गाइस ये देखो भाई लोग, ये यहाँ पर हम अभी तो बहुत कुछ है भाई लोग, यहाँ पर कई तरह के नए ब्रिक्स भी बना सकते हैं, ब्लॉक ऑफ गोल्ड
ब्लॉक ऑफ कॉपर भाई लोग, क्या ही क्या है, कॉपर का घर बनाएंगे भाई लोग हम। ने इसका कॉपर का कुछ बनता नहीं, नहीं तो स्वॉर्ड वॉर्ड भी आती तो। चलिए अभी जो है हम यहाँ पे क्रिस्टल भी हो गए हमारे, ये ग्लोइंग इंसेक भी हमारी, और ये सारे तो और तो मैंने दिखाई दिए, तो फिर भी एक बार लगा कर निकालते हैं हम यहाँ पे। गोल्ड सब कुछ बदल दे भाई लिटरली। ये आयरन इंगट और हमारा ये है रॉ इंगट आयरन, तो भाई लोग यानी कि हम रॉ आयरन कलेक्ट करके क्राफ्ट कर सकते हैं। वैसे किसी और नई चीज़ का हेड लेने का ऑप्शन तो भी आया नहीं, तो चलिए अभी जो है हम यहाँ पर खतरनाक काम करते हैं। इसको मेरे को जो है आई थिंक इस वाले में इतना ही इच्छा है, और यहाँ पर जो है मुझे गॉट का ढूंढना पड़ेगा, आई थिंक गॉट का मुझे ढूंढना ही पड़ेगा लगता है। मैं इसमें सर्च करके भी निकाले तो फिर भी देखते हैं क्या पता कोई नया मिल जाए हमें। भाई गॉट तो सबसे ज़्यादा मुड़ी है, मस्त है। ये डोंकी भी देख लेंगे हम, डोंकी वंकी सब निकालो भाई लोग, सबकी फाइट करेंगे। एंटरमैन फॉक्स सी टर्टल ट्रॉपिकल फिश सिल्वर फिश सॉरी फॉर द बैकग्राउंड स्लाइम हस्क। ये हस्क क्या होता है गाइस मुझे कमेंट करके बताना, मुझे पता नहीं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, चलिए जल्दी जल्दी से हम आगे। और ये है कॉरस फोन गार्डियन एंडरमैन टॉगलिन साइड मैग्मा क्यू एल्डर गार्डियन वही लोग बहुत कुछ है। इसमें मुझे गॉट ढूंढनी है जो जी से शुरू होने वाली है हमारी। ये गॉट का एक मिल चुका है इंडिकेटर ब्लेस सर्कल स्पॉन गॉस वैक्स। ये वैक्स क्या होता है तो मैंने देखा नहीं कभी। वंडरिंग ट्रेडर, अच्छा ये ट्रेडर वाला है, और ये पैंथम और ये रेवेंजर। तो चलिए अभी जो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको अरे ये तो ये लामा जो मेरे से कई बार पिट चुका है, और ये अरे वही इसने पोषण निकाला और इसने पिया पोषण और ये हो गया गायब। और ये तो हमारे जॉम्बी है, ये गधे हैं, और ये है गॉट। सीरियसली गाइस गॉट आ चुकी है, इसे मारने से क्या मिलेगा हमें पता नहीं फिर भी। और ये हमारी ग्लोइंग स्क्विड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रही है जो, और अपडेट में ज़्यादा कुछ तो है नहीं खास। फिर भाई लोग बहुत मस्त चीज़ें आ चुकी है अपडेट में, जल्दी से जाओ डाउनलोड करो नए अपडेट को। आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपली जाना है क्रोम पर, वहाँ पर सर्च करना है डाउनलोड माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन वर्जन डाल दो 1.17 करके, और जो फर्स्ट लिंक आता है फिर उस पर क्लिक करके आप सीधा पहुँच जाओगे वहाँ पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे। मैंने प्रोसेसर बता दिया, सॉरी मैंने वीडियो नहीं बनाई इस चीज़ की, मैंने ऐसे बता दिया। ये स्मॉल अर्थ और आज कुछ हो गई, यही सब था इसके आज के इस अपडेट में। तो गई आज के इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक